इसके ऊपर उसके बाद हमने देखा था कि मुनिया बर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, कितने परसेंटेज कार्बन मोनोऑक्साइड पर आपका। उसके बाद अलग अलग डिटेक्टर्स आते थे, जैसे कि पीएस डिटेक्टर जो कि ग्लास ट्यूब होता है जिसमें कि सिलिका जल का और पोटेशियम पैराडियम सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। हुक्का लाइट, हुला माइट, इनके प्रिंसिपल्स वगैरह भी देखे थे हमने। ये कुछ इस प्रकार का होता है आपका पीएस कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, जिसमें कि अपन क्या लगाते हैं, एस्पिरेटर बल्ब यहाँ पर लगा होता है और इसको हम जब दबाते हैं तो इस एंड से क्या होता है कि इसमें हवा अंदर जाती है, ठीक है, इस एंड से हवा इसमें अंदर जाती है और जैसे ही माइंस का एटमोसफियर इसके अंदर जाता है तो ये रिएक्शन करके आपका कलर चेंज हो जाता है, तो उसकी मदद से आपको बता देता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना परसेंटेज है। अब इसके बाद आपके अलग अलग मल्टी गैस डिटेक्टर्स की बात करें तो मल्टी गैस डिटेक्टर्स कुछ इस प्रकार का आता है, जिसमें कि हर एक का अलग अलग रहता है, हर एक गैस का अलग अलग टेस्ट ट्यूब आता है, ट्यूब आती है जिसमें कि ग्लास ट्यूब आती है जिसमें कि अलग अलग केमिकल्स डले होते हैं, ये अलग अलग कलर्स में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मिथेनोमीटर, ठीक है, जिसका इस्तेमाल आपने किया भी होगा माइंस में, बेसिकली ये सॉरी सीओ डिटेक्टर जिसका इस्तेमाल आपने माइंस में भी किया होगा, मिथेनोमीटर जैसा ही रहता है। उसके बाद ये है आपका BCO1। BCO1 में क्या होता है कि आप जैसा कि आपने देखा होगा टेलीमोनिटरिंग सिस्टम, एनवायरमेंटल टेलीमोनिटरिंग सिस्टम जो है तो रहता है, जिसमें कि आप दूर से ही बैठे बैठे क्या कर सकते हो, दूर से ही बैठे बैठे आप पूरा का पूरा डाटा ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि एक जंक्शन बॉक्स होता है जिसको कि जहां पर भी आपको लगाना हो उस जंक्शन बॉक्स को आप वहां पर लगा सकते हैं और उससे दूर केबल से कनेक्ट कर एक आप डिस्प्ले अपने पास रख सकते हैं किसी भी कन्वीनियंट प्लेस पर। अब ये मान लीजिए गोफ में आपने ये जंक्शन बॉक्स लगा दिया है, अब ये जंक्शन बॉक्स गोफ में लगा हुआ है, ठीक है, ये जंक्शन बॉक्स गोफ में लगा हुआ है। अब इस जंक्शन बॉक्स के कांटेक्ट में जो भी माइंस के एयर आएगी, जो भी एटमॉस्फेयर आएगा, उसका कंटिन्यूअस रीडिंग ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले में शो करके दिखा देगा, जो भी आपका क्या रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज रहता है, वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले पर कंटिन्यूअसली शो करता रहता है, घटता बढ़ता जो भी है, ठीक है। अब आते हैं आज के लेक्चर पे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बेसिकली स्टिंक डैम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये पॉइजनस होता है, जितना पॉइजनस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है उतना पॉइजनस ये भी होता है, अगर आपने थोड़े समय के लिए भी इसको इनहेल कर लिया तो आप की मृत्यु तुरंत ही हो सकती है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो कलरलेस गैस है, रोटेन सड़े हुए अंडे की तरह इसकी बदबू होती है, ठीक है, हवा से थोड़ी सी भारी होती है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.175। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। उसके बाद अब ये कैसा है कि भाई ये कंबस्टिबल है, मतलब कि ज्वलनशील है, जलता है लेकिन कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है ना, और ये पेल ब्लू फ्लेम मतलब हल्की जो ब्लू फ्लेम होती है उसके साथ जलता है, जब भी ये जलेगा तो हल्की सी ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा और ये फ्लेमेबल मिक्सचर बनाता है अगर इसे एयर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो। अब इसका फ्लेमेबल मिक्सचर किस रेंज में होता है, 4.3 से लेके 45% तक अगर हवा में यह मौजूद है तो उस केस में यह आग ये आपका एक्सप्लोजन कर सकता है, यह जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आखिर H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आती है माइंस में तो कहां से आती है, ठीक है, लेकिन जाती नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस जो है तो सिर्फ कुछ ही कोल माइंस में अपन को या फिर मेटल माइंस में देखने को मिलता है। अब ये किस कारण से होता है, जब भी कोयले का स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है और ऐसे कोयले का स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है जिसमें कि सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है, सल्फर जो है तो पाइराइड्स के फॉर्म में जिसमें पाया जाता है उसको, उस कोयले का अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुआ तो उस केस में अपन को हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन दिखाई देगा, ठीक है।
अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर का डिके हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे कि टिम्बर वगैरह, तो उस केस में भी आपको हाइड्रोजन सल्फाइड दिखेगा। अगर आपका एसिड माइन वाटर का रिएक्शन होता है आयरन पाइराइड्स या सल्फाइड्स के साथ, मतलब कि आपका जो एसिडिक वाटर है, एसिडिक वाटर बोले तो कार्बोनिक एसिड जो बनाता है, ठीक है, CO2 + H2O, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। तो ये जो एसिडिक वाटर है, इसका जब भी रिएक्शन होगा सल्फाइड्स के साथ, तो उस केस में हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मीथेन ब्लोवर्स आउटबर्स्ट, अगर मीथेन ब्लोवर्स है कहीं पर, है ना, मतलब मीथेन ब्लोवर्स क्या कि आप जब भी कोल सीम में क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं कोयले का, तो कभी कभार कोल सीम में छोटा सा एक, जैसे मान लीजिए ये फेस है, ठीक है, अब इस फेस के इधर यहां पर एक छोटा सा गैप है यहाँ पे रूफ में, जिसका जहां पर क्या भरी हुई है, मीथेन गैस भरी हुई है। ठीक है, अब आपने ब्लास्टिंग किया तो ये क्रैक डेवलप हो गया और यहां से मीथेन गैस लगातार निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो लगातार मीथेन गैस निकल रही है, ये एक हिसिंग साउंड करके निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लोवर बोलते हैं। ठीक है, और जहां पर ये मीथेन गैस है उस जगह को क्या बोलते हैं, पॉकेट कहा जाता है। ठीक है, पॉकेट कहा जाता है। और इसके साथ जब भी ये चीज रिलीज होती है, तो इसके साथ कुछ मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड का भी जनरेशन होता है। हाँ, और कहाँ से आता है, अगर स्ट्राटा में कहीं पर फिशर्स हैं या फिर जॉइंट्स हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, पोटैश माइंस में खास तौर पे स्पेशली देखने को मिलता है। ठीक है, फायर डैम, जब भी आपका एमिशन होता है फायर डैम का, उस केस में देखने को मिलेगा। गन पाउडर को अगर आप सही तरीके से नहीं जलाओगे तो उस केस में भी H2S का जनरेशन होता है। अगर हैवी सल्फाइड ओर, मतलब सल्फाइड वाले सल्फर कैरी करने वाले जितने भी ओर से अगर उनका कभी ब्लास्टिंग करते हैं, तो उस केस में आपको हाइड्रोजन सल्फाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर सल्फेट्स पर बैक्टीरियल एक्शन होता है, तब अपन को ये देखने को मिलता है। और कोल डस्ट का एक्सप्लोजन जब भी होता है सल्फाइड माइंस में, तो उस केस में भी अपन को H2S का जनरेशन दिखाई दिखने को मिलेगा। अब H2S कहाँ पाया जाता है माइंस में, अगर आपको जानना है कि H2S कहाँ पाया जाता है, तो ये जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि यही से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे कि अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पाया जाता है, मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो जो रुका हुआ पानी है ओल्ड वर्किंग्स में, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, सम्प के बीच में अगर कोई इंटरमीडिएट सम्प है या मेन सम्प है, तो सम्प में बेसिकली देखने को मिलेगा, मतलब कि जहां पर भी पानी स्टोर करके रखोगे, रुका हुआ पानी है, वहां पर हमें H2S देखने को मिलता है। अगर कहीं पर आग लगी है या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, तो वहां पर ये देखने को मिलेगा। ओल्ड वर्किंग्स में अगर जैसे कि पुअर वेंटिलेशन रहता है, तो चीजें सड़ने लगती हैं, और सड़ने लगती है तो उस केस में भी हमें H2S उन जगहों पर भी देखने को मिलता है। नहीं, मुनिया मुनिया बर्ड के अलावा किसी दूसरी बर्ड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि मुनिया बर्ड जो है, तो ये एकमात्र ऐसी बर्ड है जो कि कम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड पर भी आपको क्या दे देती है, आपको जानकारी दे देगी। इसके एक्शन इस प्रकार के होने लगते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। लेकिन बाकी की जो बर्ड्स होती है, वो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देती है, क्योंकि वो ढीठ होती है, और जो ढीठ है वो क्यों ही क्यों आखिरी तक टिका रहेगा, लेकिन सांस रोक के बैठा रह जाएगी, बैठी रह जाएगी वो चिड़िया, लेकिन आपको जानकारी नहीं देगी। कैसे कैसे शब्दों का उपयोग कर देते हैं यार, ढीठ, वाह। चलो, साइलॉजिकल इफेक्ट्स, तो देखिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इतना ही है। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है एग्जाम के हिसाब से।
साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स नॉर्मल, एक बार पढ़ लो, उसके उतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, ये बहुत ही एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस होती है, हाईली पॉइजनस गैस, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले ज्यादा पॉइजनस होती है। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि ये हमें जो वार्निंग है वो तुरंत ही दे देती है। कैसे देगी? आपकी आंखों में इरिटेशन होने लगेगा, ठीक है, आपका जो है तो आंखों में दर्द होने लगेगा, जलन होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। लेकिन यह चीज आपको कम महसूस होगी, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो आपका ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप 50 से लेके 100 PPM तक का H2S 1 घंटे तक लगातार सूंघते बैठे रहते हो, लगातार स्मेल करते बैठे रहते हैं। तो उस केस में आपको जो है तो सांस लेने में तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगी। 200 से 700 PPM में ये आपके गले में दर्द होने लगेगा और छाती में दर्द होगा, और छाती में जब दर्द होगा तो बड़ा दिक्कत की बात है। तो 0.005% से लेकर 0.01% तक अगर आपका H2S कहीं पर मौजूद है, 1 घंटे तक अगर आप उसमें रहते हैं, तो उस केस में आपकी आंखों में जलन होगी, है ना, और सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। 0.01% पर आपको सांस मतलब चीजों को सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी कौन सी गैस है जो कि सूंघने की क्षमता, स्मेल करने की क्षमता खत्म कर देती है। तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब कि 15 मिनट भी इसको सूंघ लोगे ना, 0.1% को, 0.01% को, तो आपको आपकी जो सूंघने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। आप चीजों में डिफरेंस नहीं बता पाओगे कि क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद 0.02% से लेकर 0.07% तक आंखों में इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हेडेक होगा, डिजनेस होगा, नौसिया, ड्राइनेस, पेन, नाक नाक में दर्द होने लगेगा, नाक में आपको सूखा महसूस होगा, ठीक है, गले में गला सूखने लगेगा, और आपकी छाती में भी दर्द बहुत तेजी से उठेगा। उसके बाद 0.07% से लेकर 0.1% तक आप क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे, ठीक है, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है सांस लेना बंद हो जाएगी आपकी। अब सांस नहीं ले पाएंगे तो कुछ ही मिनटों में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। बड़ी ही दुखद घटना है ये चीज पढ़ाने में बड़ा दर्द होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स बाय स्मेल। अब देखिए H2S का डिटेक्शन कैसे करेंगे? एक तो आपको जहां भी सड़े हुए अंडे की खुशबू आए तो H2S मतलब कि वहां पर मौजूद है। अब जिसको भी, अब किसी के दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो खुशबू आ रही है वो सड़े हुए अंडे की ही है, तो एक काम करिए, घर में एक अंडा लाइए, सड़ाइए और उसको सूंघिए, और उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि माइंस में H2S कहां पर है, ठीक है। लेकिन इतना कंट्रोल थोड़ी करोगे, लाओगे तुरंत ही फ्राई मारा, सब्जी बनाई, खा लिए। माउस माउस तो दुबक के बैठ जाएगा ना, एक कुंटा पकड़ के बैठ जाता है, ठीक है। माउस तो और भी दिक्कत वाली बात है, वो जहां उसको खतरा महसूस होगा वो जाली का एक कोना पकड़ के बैठ जाएगा। वो बोलेगा तेरे को मरना हो तो मर, मैं नहीं जाने वाला भाई आगे। वो भी सांस रोक के एक कोने में बैठ जाएगा। हाँ, तो सांस मतलब सूंघ कर भी पता कर सकते हो, इजीली डिटेक्ट कर सकते हो सड़े हुए अंडे को, ठीक है। मतलब कि 1 PPM भी अगर कहीं पर H2S मौजूद है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब
ये जो आपको महक आ रही है, ये जो खुशबू आ रही है, ये जो दुर्गंध आ रही है, ये अगर 0.2% से कम है तभी आएगी। नहीं तो H2S की खास बात क्या है कि अगर इसकी महक आ गई तो आ गई, अदरवाइज ये आपका सूंघने की क्षमता को खत्म कर देगा। आप जो है तो समझ ही नहीं पाओगे कि किस चीज की खुशबू आ रही है। मतलब कि आपको किसी भी चीज की जो खुशबू होती है ना, अलग अलग समझ में आ जाती है, अच्छी खुशबू है, बेकार खुशबू है, वो सोचने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो होते हैं, जो कि आपके सेंसर्स होते हैं, आपको बताते हैं खुशबू के बारे में, उनको ही ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है बेसिकली। तो बेसिकली 0.01% से अधिक अगर गैस हुई तो उस केस में हो सकता है कि आपका ये स्मेल करने की क्षमता को, जो सेंस है, उसको खत्म कर दे, ठीक है, पैरालाइज कर दे, ठीक है। तो इसीलिए ये बोलता है कि भाई इस चीज पे डिपेंड तो ना रहो, पता चला सूंघने के चक्कर में सूंघने की क्षमता ही खत्म हो गई। तो इसीलिए ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉटिंग पेपर एक प्रकार का कागज होता है जिसमें कि लेड एसीटेट डला होता है। मतलब कि उस कागज को लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में डालकर सुखा दिया जाता है, मतलब कि सोकिंग कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है लेड एसीटेट को। अब जैसे ही उस पेपर का हम ऐसी जगह पर लाएंगे जहां पर आपका क्या है, H2S गैस है, तो वहां पे उसका कलर चेंज होके किस कलर में बदल जाएगा, ब्लैक कलर में आ जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है वो, ठीक है। या कि फिर आप क्या यूज कर सकते हो, मॉइस्ट सिल्वर कॉइन, मतलब सिल्वर का कॉइन देखे हो, है ना, चांदी का सिक्का, वो चांदी के सिक्के पर हल्का हल्का मॉइस्चर रहे और उसको ले जाके जहां पर भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मौजूद है वहां पर रख दो। अब वहां पर जैसे ही रखेंगे तो वो भी किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लैक सल्फाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर एक ब्लैक सल्फाइड की लेयर बन जाएगी जिसके कारण वो काला काला दिखने लगेगा। अरे रे, बहुत तेज जुकाम है, इतना तेज है कल रात भर नींद नहीं आ रही। अब नींद नहीं आ रही किसी चीज में, मन भी नहीं लग रहा पढ़ने लिखने में। फिर अपन ने स्टार्ट किया TDM, सवेरे 4 बजे तक TDM खेला। यूजिंग कलर मिट्टी के इंडिकेटर, इंडिकेटिंग डिटेक्टर्स, सॉरी 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 सॉरी, अब ठीक आएगी ना, बोलूंगा वॉल्यूम कम कर लो तो वॉल्यूम कम कर लेना। हाँ, तो MSA H2S डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। तो MSA डिटेक्टर्स जो है, तो इसमें क्या होता है, पैलेडियम क्लोराइड होता है एसीटोन वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है। एसीटोन वाटर सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसीटोन का, उसमें अपन क्या डालते हैं, पैलेडियम क्लोराइड डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, MSA डिटेक्टर कहलाता है। अब इसके में इसको किस में डालते हैं, ग्लास के ट्यूब में, जैसा कि आपने पहले भी देखा था। हाँ, तो जैसा कि आपने पहले भी ग्लास ट्यूब वगैरह में आपको दिखा चुका हूं, उसमें क्या होता है, पैलेडियम क्लोराइड होता है एसीटोन वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसमें जो भी है तो क्या होता है कि कलर चेंज हो जाता है, जैसे ही H2S के कांटेक्ट में ये आता है आपका ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब में क्या करेंगे, एस्पिरेटर बल्ब की मदद से हवा भरेंगे, और जैसे ही हवा भरेंगे तो इसके अंदर का जो केमिकल है उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो डिसकलरेशन हुआ, मतलब कि जो कलर चेंज हुआ है, तो इसके साथ क्या आता है, MSA डिटेक्टर के साथ
एक स्केल आती है, उस स्केल की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं कि आखिर H2S का कितना परसेंटेज है। अरे वो जो मल्टी गैस डिटेक्टर दिखाया था ना, सेम वही चीज है ही, ठीक है। अब CO का अलग दिया है, इसमें H2S का अलग दिया है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ये कौन सा केमिकल इस्तेमाल करता है। अब आता है एक लेंथ ऑफ स्टेन H2S। लेंथ ऑफ स्टेन H2S मतलब क्या होता है इसमें, कि आपका जो डिटेक्टर ट्यूब है, ठीक है, जो डिटेक्टर ट्यूब है इसमें क्या डला रहता है, व्हाइट कलर के ग्रेनुअल्स डले होते हैं। किस चीज के ग्रेनुअल्स डले होते हैं? ग्रेनुअल्स मतलब छोटे छोटे दाने, साबूदाना जैसा व्हाइट कलर का, जिस और वो है क्या, किस केमिकल का है? वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिकली, ठीक है। मतलब कि सिल्वर साइनाइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिसके ऊपर सिल्वर साइनाइड की एक परत चढ़ाई गई है। अब जैसे ही हवा इसमें से पास होती है तो धीरे धीरे ये किस कलर में चेंज हो जाता है, ग्रेइश ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्या बना लेता है, ब्लैक सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, जो MSA का H2S डिटेक्टर है, एक तो होता है जिसमें कि पैलेडियम क्लोराइड और एसीटोन वाटर सॉल्यूशन, ये दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा होता है लेंथ ऑफ स्टेन H2S डिटेक्टर, जिसमें कि क्या होता है, व्हाइट कलर के ग्रेनुल्स होते हैं, किसके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, जिनके ऊपर सिल्वर साइनाइड की कोटिंग होती है, ठीक है। तो ये दो चीज ध्यान में रखिएगा। अब आपका ये डिसकलरेशन, मान लीजिए ये ट्यूब है, ये ट्यूब है आपकी, ठीक है। अब इस ट्यूब का एक एंड तो आपने तोड़ दिया, अब ये डिसकलरेशन हवा जैसे ही जाती जाती है तो इसका कलर चेंज होते 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 यहां तक चेंज हुआ बस, ठीक है। तो जहां तक भी चेंज हुआ वहां पर आपका मार्किंग लगा होता है, तो डायरेक्टली आप उस मार्किंग तक, जहां तक कि आपका क्या हुआ, कलर चेंज हुआ है, डिस्कलरेशन हुआ है, उस मार्किंग का रीडिंग लेकर आप पता लगा सकते हैं कि आखिर H2S का कितना परसेंटेज है। 0 से लेकर 800 तक, इसका 800 PPM तक का इसका क्या है, रेंज आपको मिलेगा, ठीक है। इस रेंज का ये जो है तो डिटेक्टर आता है। आगे है पोर्टेबल H2S डिटेक्टर। अब जिस प्रकार का पोर्टेबल CO इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेल्फ कंटेन बैटरी पावर्ड होते हैं बेसिकली, तो इसी प्रकार का आपका आता है H2S डिटेक्टर, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रोकेमिकल पोलारोग्राफिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है इसके ऑपरेशन के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें क्या होता है, ऑडिबल एंड विजुअल अलार्म्स भी लगे होते हैं, जो कि अगर H2S की परसेंटेज अधिक होता है तो उस केस में आपको वार्निंग भी दे देते हैं। अब ये जो पोर्टेबल H2S डिटेक्टर आता है, ये किस रेंज में आता है, 0 से 20 PPM वाली रेंज का आता है एक मॉडल, और एक मॉडल आता है 0 से लेके 100 PPM वाला, ठीक है। और इनकी जो मिनिमम रीडिंग होती है, जो मिनिमम रीडिंग ये आपको शो करेंगे वो 0.5 mm PPM शो करेंगे, इससे नीचे की रीडिंग आपको ये शो नहीं करता बेसिकली। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपका मिनिमम कितनी रीडिंग शो किया जा सकता है पोर्टेबल H2S डिटेक्टर्स के द्वारा, तो 0.5 PPM शो किया जा सकता है। तो ये था H2S डिटेक्टर्स। हाँ, आज ये PPT कंप्लीट हो जाएगा, तो आज इसको तीनों लेक्चर के साथ इस PPT को मैं अपडेट कर दूंगा। अब आते हैं नाइट्रस फ्यूम्स पर, जो N2 है, ठीक है,
ये नाइट्रोजन गैस आप भी जानते हो कैसी गैस है, इनर्ट गैस है। मतलब इसका इस्तेमाल तो हम अपना लेस का पैकेट पैक करने में करते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जो खाने होते हैं उनको स्टोर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी गैस है जो कि नॉन रिएक्टिव है, मतलब किसी चीज के साथ रिएक्शन करती ही नहीं है जल्दी से, ठीक है। तो इनर्ट गैस है, ठीक। लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया, गलती से भी ऑक्सीजन मिल गया, तो ये सबसे खतरनाक गैस है। ये N2 नाइट्रोजन जो है अलग-अलग प्रकार के ऑक्साइड्स बनाता है, टोटल 6 ऑक्साइड बनाता है, जिनका ये आप देख पा रहे होंगे, NO, NO2, N2O, NO3, N2O4, N2O5, ठीक है। अब N2O5 क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक प्रकार का अनस्टेबल होता है ये आसानी से नहीं पाया जाता है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। ये किस प्रकार के होते हैं? इनका जो स्मेल होता है बड़ा ही चोकिंग स्मेल होता है, बाइटिंग एंड चोकिंग स्मेल, मतलब कि आपको सांस ले जो सूंघने की क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म करते चला जाता है ये, ठीक है। अब ये जितनी भी गैसेस है, नाइट्रस फ्यूम्स, ये किस कलर का होता है? ये येलो से रेडिश ब्राउन कलर में पाया जाता है। और जब भी इसकी खुशबू कैसी आएगी? जैसे कहीं पर ब्लास्टिंग हुआ हो, या कभी भी जब भी ब्लास्टिंग होता है तो वहां पर खड़े हो जाइए आप, तो आपको नाइट्रस फ्यूम्स की खुशबू मिलेगी। हवा में अगर मॉइस्चर है तो उसके साथ इजीली डिजॉल्व हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है सबसे टॉक्सिक गैस है, ठीक है। N2 ऑक्साइड्स में सबसे टॉक्सिक गैस अगर कौन सी है, तो वो कौन, अगर कोई गैस है तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये आपका ऑक्सीजन के साथ तुरंत ही कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है? लाल कलर का धुआं बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो भी है, ठीक है। और इसकी स्मेल बड़ी ही बेकार होती है, ठीक है। अजीब सी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, बड़ी अजीब सी स्मेल होती है। और वो जो स्मेल आ रही है वो किसकी आ रही है? नाइट्रिक एसिड की स्मेल आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही NO2 आपका ठंडा होता है तो ये NO2 धीरे धीरे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था? To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.